हेलो एवरीवन, क्या आपको भी रुस्सी की प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई है? देखो, वैसे तो सर्दी के मौसम में ना बहुत सारे लोगों को ये समस्या हो जाती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में विंटर सीजन में क्या होता है कि वातावरण काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ड्राइनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, नमी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, हमारी स्कैल्प में। तो इस वजह से ड्राइनेस की वजह से समस्या मोस्टली होती है। अब देखो जी, रुस्सी होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो सफ़ेद पपड़ी हमारे स्कैल्प में जम जाती है ना, वो कंघी करने पे या फिर अपने आप ही झड़ते रहते हैं और कई बार कपड़ों पे आ जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है लोगों के सामने कि क्या है ना। और इसके अलावा हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोगों को खुजली होती है और खुजला खुजला के काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होने लग जाता है, खून भी बाहर आ जाता है, यानी कि रैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। देखो जी, वैसे तो रुसी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है रूखी त्वचा। अगर आपकी त्वचा रूखी है तो रुसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। रूखी त्वचा होने से क्या होता है कि जो सिर की रूखी और मृत त्वचा होती है ना, वो पपड़ी बनकर रुसी के रूप में आपको दिखाई देती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी त्वचा, आपका जो स्कैल्प है, वो रूखी ना रहे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि बहुत सारा पानी पीना चाहिए। जितना आप पानी पियेंगे उतनी ज़्यादा आपके बॉडी में नमी रहेगी। अब ठंड में बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको गुनगुना पानी 8 से 10 गिलास पीना ही है। जूस पी सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे कि आप अपने आप को नमी दे सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि भाई, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि बालों में गंदगी इकट्ठा कर लेते हैं। अब कैसे कर लेते हैं? देखो, क्या होता है कि सर्दी के मौसम में ना बहुत सारे लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो जब सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत सारी मृत कोशिकाएं, बहुत सारी गंदगी, धूल मिट्टी, प्रदूषण पता है कितना ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से सर में गंदगी इकट्ठा हो जाती है। और ऐसे में अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि वो जो मृत त्वचा है, मृत कोशिकाएं हैं, वो इकट्ठी हो जाएंगी और फिर आपको रुसी के रूप में दिखाई देंगी। इसलिए अपने सिर की अच्छे से सफाई रखें, मतलब कि बालों को अच्छे से धोएं, टाइम टू टाइम धोते रहें ताकि आपके बाल में गंदगी ना रहे। इसके अलावा क्या करना है कि कंघी करना है। बहुत सारे लोग कंघी नहीं करना चाहते हैं। अगर आप अच्छे से कंघी करेंगे तो बालों में क्या होगा कि रक्त का संचार अच्छे से होगा और जो भी गंदगी होती है वो बाहर निकलती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालों में कंघी जरूर कीजिए और रोज़ाना कीजिए। बहुत सारे लोग सर्दी में नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको करना है। जितना ज़्यादा आप कंघी करेंगे, जितना ज़्यादा मतलब ये कि दिन में 1 से 2 बार कर लीजिए, बहुत है। इससे भी आपको रुसी में फ़र्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक कारण होता है बहुत ज़्यादा ऑयल होना। अब देखो जी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑयल लगा के छोड़ देते हैं बालों में, और ऑयल लगा के छोड़ने से क्या होता है कि जो भी गंदगी वगैरह वो अच्छे से आपके बाल के अंदर चली जाती है, फिर उसके बाद आपको यह प्रॉब्लम हो जाती है। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि बालों को ज़्यादा मत धो, कभी कभी धोना चाहिए, लेकिन आज के समय में पता है कितना ज़्यादा गंदगी है, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है और कैसा खान पान है, तो हमारे बाल इतना सुरक्षित नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम अपने बालों को आप वॉश करते रहें किसी अच्छे से माइल्ड शैम्पू से। आप वीक में एक बार तो अपने बालों को अच्छे से वॉश करें, अगर रुसी की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 2 बार भी कीजिए, लेकिन अपने बालों को साफ रखिए, सुथरा रखिए और ऑयल जमा मत होने दीजिए। अब देखो, एक कारण ये भी होता है कि कुछ लोग ना अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करते हैं, बिल्कुल सर में तेल डालते ही नहीं हैं, तो इस वजह से भी आपकी जो त्वचा है रूखी हो सकती है। इसलिए ऑयलिंग जरूरी है। अब ऑयलिंग कितनी देर करना है, जैसे कि मान लो कि आपने नारियल का तेल लगा लिया, तो आप इसे पूरी रात रखिए और सुबह उठ के धो लीजिए, या फिर आप क्या करें कि 2 से 4 घंटे भी रखेंगे ना, तब भी आपका काम हो जाएगा, उसके बाद आप बालों को धो सकते हैं। हमेशा लगा के भी नहीं रखना है, और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल ऑयलिंग नहीं करनी है, दोनों ही कंडीशन में आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए ध्यान रखिए। इसके बाद एक कारण हो सकता है आपका मानसिक तनाव। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तनाव की प्रॉब्लम है, तो उनको बहुत ज़्यादा रुसी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही से अपनी नींद पूरी करें और स्ट्रेस से दूर रहें। देखो जी, क्या होता है कि स्ट्रेस लेने से ना आपके पूरे बॉडी का फंक्शन बिगड़ जाता है, तो इस वजह से आपको बहुत सारी परेशानियाँ होने लग जाती हैं, जिसका असर कि आप को अपने सिर में, अपने बालों में दिखाई देता है, और ऐसे में रुसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा कुछ दवाई की वजह से भी ऐसा हो जाता है। अगर आप कोई दवाई लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद उस वजह से भी यह समस्या हो जाए। इसके बाद एक कारण हो सकता है चर्म रोग। अगर किसी को चर्म रोग की प्रॉब्लम है, जैसे कि सोरायसिस या फिर एक्जिमा या फिर कोई और भी त्वचा संबंधित रोग होता है, तो ऐसे में भी आपको यह समस्या हो सकती है। इसलिए अगर आपको ज़्यादा है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, देखिए ताकि क्या प्रॉब्लम है। अब देखो जी, एक कारण हो सकता है हार्मोन्स में बदलाव होना। कई बार हार्मोन्स की वजह से भी आपको बालों में रुसी की समस्या हो सकती है। इसके बाद देखिए, अगर किसी के खाने में बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी है, तो ऐसे में भी उनको रुसी की प्रॉब्लम हो जाती है। आपके खाने में बहुत सारे विटामिन होने चाहिए, जिंक होने चाहिए, विटामिन B और C जरूर होना चाहिए, क्योंकि इनकी कमी से आपको रुसी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए खाने में ताज़े फल को रखें, ताज़ी सब्जियाँ रखें, हरी सब्जियाँ रखें, और जो भी हैं हेल्दी रखें। बाहर का खाना, अनहेल्दी खाना, उसको अवॉइड कीजिए, तो
आपकी समस्या कम हो जाएगी। अब हम एक बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय देखेंगे जिसको करने से कि आपकी रुसी पहली बार से आपको कम होती दिखाई देगी और 2 से 3 महीने आप कर लेंगे ना तो रुसी बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है, तो चलिए देखते हैं कि आपको कैसे तैयार करना है और कैसे अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, अपना नुस्खा बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना होगा कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। ये हम लेंगे लगभग 2 चम्मच। अगर आपका जम गया है तो आप इसको गर्म पानी में डाल के पिघला सकते हैं। तो मैंने पिघला लिया, आप देख सकते हैं। तो 2 चम्मच हम लेंगे और आप अपने बालों के हिसाब से, स्कैल्प के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि हमें मोस्टली से स्कैल्प पे लगाना होता है, बालों की लेंथ पे हमें ज़्यादा लगाना नहीं होता। तो आप थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें मेन स्कैल्प पे लगाना है। इसके बाद हमें ना लेना होगा ये कपूर। अब देखो, कपूर ना 2 टाइप के आते हैं। तो ऐसा आता है जैसे हम भीम सैनी बोलते हैं, मैंने ये वाला लिया है, एक राउंड राउंड आता है गोल गोल टाइप का, आप वो भी ले सकते हैं। अगर गोल वाला है तो आप 2 लीजिएगा, ये वाला है तो आप इतना सा ले सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से कूट लेंगे, कैसे भी आप कर सकते हो। तो मैंने इसके सहायता से किया है, चम्मच की सहायता से, आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से जो है इसका चूरा बन गया है। इस कपूर को इसमें मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट चाहिए जो कि है नींबू। 2 चम्मच नारियल तेल है तो हम 2 चम्मच ही मोस्टली लेंगे। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें एक प्रोसेस और करना है। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमें एक बड़ा सा कटोरा लेना है और हमें क्या करना है कि उसमें पानी रख देना गर्म होने के लिए, और उसके बाद हम इसको इसमें डाल देंगे, डबल बॉयल कर लेंगे। हल्का सा हमें गुनगुना कर लेना है ताकि ये हमारे बालों में और अच्छे से काम करें। हेलो गाइस, मैं पूजा, मैं अलका दीदी की छोटी सिस्टर हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस रेमेडी को हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखो, हमें इस तरीके का कॉटन चाहिए। कॉटन नहीं है तो आप फिंगर की सहायता से भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन कॉटन रहेगा तो बेस्ट है क्योंकि ये डीपली जाता है आपके स्कैल्प पे। सो गाइस, रेमेडी को अप्लाई करने से पहले आपको अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है ताकि आपके बाल कहीं से भी उलझे नहीं। इस रेमेडी के लिए क्या करना है ना, आपको सबसे पहले इस तरीके से बालों को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करना है। जैसे आप देख सकते हो, इस तरीके से पार्ट डिवाइड करना है और ये कॉटन डिप करके इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से अप्लाई करना है क्योंकि हमें ये रूसी के लिए है, रूसी के लिए है, तो इस वजह से नहीं कि डैंड्रफ आपका हटेगा, तो हमें इसे स्कैल्प पे ही लगाना है। इस तरीके से डैब डैब करके आपको लगाना है इस, और आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थी तो मैंने सोचा मैं ही दीदी का अप्लाई कर दूँ अच्छे से, तो क्योंकि कोई दूसरा अप्लाई कर देता है ना तो बहुत अच्छा अप्लाई हो जाता है, क्यों दीदी? और थोड़ा आनंद भी आ जाता है। सो गाइस, हमें इसे पूरे बालों पे अच्छे से अप्लाई करना है, कहीं पे भी रहना नहीं चाहिए क्योंकि हमें रूसी ख़त्म करना है। सो फ्रेंड्स, जब हम नारियल तेल और कपूर और नींबू को मिला के मिक्सर तैयार करते हैं ना, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि इन सभी में ना एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होता है जो कि हमारे बालों में जो खुजली हो जाती है ना उसको ख़त्म करता है। मतलब स्कैल्प पे खुजली हो जाती है, बाल काफ़ी रूखे हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है ना, वो ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आपके बालों में जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि रुसी होने के बाद हेयर फॉल तो होता ही है ना, उसको भी रोकने का काम करते हैं। और नींबू में होता है सेट्रिक एसिड। सेट्रिक एसिड क्या करता है, हमारे जो स्कैल्प में मृत कोशिकाएं होती है ना उनको हटाने का काम करता है, क्योंकि जो मृत कोशिकाएं होती हैं वो जम जाती हैं, खट्टी हो जाती हैं और रुसी के रूप ले लेती हैं, तो उसको हटाने का काम नींबू करता है। और बाकी बाल आपके मुलायम हो जाते हैं, इनसे आपका जो पीएच लेवल होता है बालों का, स्कैल्प का, वो सही रहता है, तो आपके बाल हेल्दी रहते हैं। मीन यही है। इतने सारे फायदे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें रुसी के लिए फायदे जानने हैं तो यही हैं, बाकी और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। फायदे तो खैर बहुत सारे होते हैं, ये बात तो तू सही कह रही है। हमें पूरे बालों पे के स्कैल्प पे बहुत अच्छे से मसाज करना है। अगर थोड़ा बहुत हमारा ऑयल बच जाता है तो आप इसे अपने लेंथ पे भी लगा सकते हैं, और उसके बाद हमें इसे हल्के हाथों से मसाज करना है ताकि ये जो है ना हमारा ऑयल और अच्छे से पहुँच सके हमारे स्कैल्प पे। और मसाज तो वैसे भी देखो बहुत अच्छा होता है, चाहे फेस पे करो, बॉडी पे करो, हेयर पे करो, मसाज हमारे बॉडी के हर एक पार्ट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो मसाज तो हमें करना ही चाहिए। आनंद आ रहा है? बहुत ज़्यादा? हाँ, तो स्टार्ट तो कर, बढ़िया से कर दिया। हाँ, कर रहे हैं। मैं तो हमेशा पूजा ही करती है मसाज, बहुत मज़ा आता है। मतलब ऑयलिंग पूजा ही करती है मोस्टली मेरा। और ये ऐसा करती है, हर बार जाके बाल कटवा देती है?
इसे बाल लंबे पसंद नहीं है। राइट, इसे कर मम्मी से एक बार मार भी पड़ चुकी है मुझे बाल बहुत लंबे थे याद है इसके बाल सच्ची में इतने लंबे थे कमर तक आते थे। और इसने क्या करा स्कूल टाइम पे, कौन सी क्लास में थी दीदी, 11वीं में, 12th में थी शायद, हाँ 11th 12th में। हाँ, और इसने क्या करा, बहुत अच्छे बाल थे इसके, उसके बाद इसने बढ़ाया ही नहीं उसके बाद से। इस बात की भी कितने साल, मम्मी ने कई दिनों तक बात भी नहीं किया था मुझसे। हाँ इतने इतने करा लिए थे इसने, इतने 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 करा लिए, इतने बड़े बाल तो बाल बेच देती उस टाइम, दिमाग होता तेरे पास तो पैसे कमाई तो हो जाते तुमसे कम। परेशानी होती है लंबे बालों में, केयर बहुत ज़्यादा करना होता है, वॉश वगैरह। अब छोटे हैं, पढ़ाई के टाइम में दिक्कत होती है। सो गाइस, इसी तरीके से आपको अच्छे से मसाज करना है, मैं इसका मसाज कर दूँ प्रॉपर, फिर उसके बाद कम से कम कितने देर रखना है दीदी? मर्जी है, आप 1-2 घंटे रख सकते हैं, पूरी रात भी रख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। लेकिन कम से कम आप 1 से 2 घंटे तो रखो रखो इसका बेनिफिट अगर आप चाहते हो तो, नहीं तो पूरी रात अगर कर रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम आपको। एक मिनट गाइस, ध्यान रखिएगा, अगर रुसी बहुत ज़्यादा है तो हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कीजिए, अगर कम है तो आप 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कम है तो 1 बार कर लो वीक में, लेकिन अगर ज़्यादा है तो 3 बार ज़रूर कीजिए। 1-2 घंटा लगा लो, लेकिन लगाना पड़ेगा जब ही ठीक होगा। बहुत अच्छा रेमेडी है, आप ट्राई करना, आपको बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ज़रूर इस घरेलू उपाय को करेंगे और इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।